युगो युगो से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 18 जनवरी 2020 दिन शनिवार, माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि सुबह 5:33 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:53 से लेकर 11:12 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आपको अपने कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो किसी हनुमान मंदिर जाएं और नींबू का ये उपाय करें। उपाय के अनुसार अपने साथ 1 नींबू और 4 लौंग लेकर जाएं। इसके बाद मंदिर में हनुमान जी के सामने नींबू के ऊपर 4 लौंग लगा दें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। मंत्र जाप के बाद हनुमान जी से सफलता दिलवाने की प्रार्थना करें और वह नींबू अपने साथ रखकर कार्य करें। मेहनत के साथ ये आज अपना कार्य को करने से आपको उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। नाम करुणा भोला। आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वेस्ट पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को 1 जनवरी को और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया।
आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।